जहां एक और कोरोना का नाम सुनते ही घबराहट होने लगती है, वहीं नागपुर में एक 98 वर्षीय वृद्ध प्रभाकर शुक्ला ने कोरोना जैसे महामारी पर जीत हासिल की है। प्रभाकर शुक्ला के इस डिस्चार्ज के बाद अस्पताल प्रशासन ने उन्हें फूल से विदाई दी और उनका हौसला अफजाई भी की। 98 वर्षीय प्रभाकर शुक्ला को 18 अक्टूबर से बुखार, सर्दी खांसी जैसे लक्षण दिख रहे थे, जिसके बाद उनकी कोविड-19 की टेस्ट की गई। जांच के बाद उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई, जिसके चलते उनकी तबीयत बिगड़ रही थी। उन्हें 23 अक्टूबर को नागपुर के सुश्रुत ऑर्थोपेडिक एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हाई रिस्क मरीज होने के कारण उन्हें ICU में रखा गया, जहां डॉक्टरों द्वारा उनका इलाज शुरू किया गया। केवल 7 दिनों के भीतर उन्होंने कोरोना जैसी महामारी को हराया और शनिवार को ठीक होकर अपने घर लौटे। इस दौरान उनकी हौसला अफजाई के लिए अस्पताल प्रशासन ने उनकी फूलों से विदाई की। NBCN न्यूज के लिए दिशा हटवार की रिपोर्ट।